स्टार्ट करते हैं। आज हम सीख रहे हैं ट्रिगर्स के बारे में। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स मतलब इफ वी वांट टू कंट्रोल एनी एनिमेशन, वी कैन कंट्रोल बाय ट्रिगर्स। ठीक है, तो हम जब हम किसी भी एनिमेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको हम एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रिगर्स के जरिए। ट्रिगर्स से कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका तरीका ये है। बिठा दो, बोलना बैठ जाओ, फाइन ऑन करके दरवाजा खोल के बोले अंदर बैठ जाओ, बाइक को सामने खड़े कर। तो उसको हम यहाँ से ट्रिगर्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार बहुत आसान है। देखिए, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, इसको हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं। अब ये एक एनिमेशन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, इस पर पुश का बटन है बीच के अंदर, और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक एनिमेशन परफॉर्म हुआ, रन हुआ। सही, यूजुअली अभी तक हमने सीखा एक ही दफा परफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें वंस अगेन, और जितनी बार मैं चाहूंगा उसको यहां से परफॉर्म करा सकता हूँ। जस्ट लाइक एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बन गया, लेकिन ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हम काम कर रहे हैं ट्रिगर से। अब पहले मैं आपको ट्रिगर का बेसिक वर्जन कराता हूँ। बेसिक वर्जन क्या है? बेसिक वर्जन ये है कि भाई जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए, इसको आप नोट करेंगे ट्रिगर क्या काम कर रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ऐसा लग रहा है कि जितनी बार मैं क्लिक करूंगा वैसे काम हो रहा है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और उस पर जो भी एनिमेशन थी इनको मैंने खत्म कर दिया। होम में गया और यहां से मैंने नाम रखा इसका सिलेक्शन पेन के ऊपर, इसका नाम मैंने रखा एरो, इसका नाम मैंने रखा बटन। अब मैंने फोर लिख दिया इसके ऊपर, फायर लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब जो भी इसका इफेक्ट ऑप्शंस हैं वो शेफ फॉर्मेट में जाके आपने क्लिक किया यहाँ से, और कलर्स कॉम्बिनेशंस वगैरह जो भी रखते हैं वो आप यहाँ से रख लें। 3D करना है इसको या जो भी इसके अंदर इफेक्ट्स ऐड करने हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अब आप खोलेंगे एनिमेशन पैन, तो आप इसको क्या एनिमेशन देना चाहते हैं? इसको हम एनिमेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कहेंगे फ्लाई आउट और यहाँ से राइट कर देंगे। सही, अब ये एनिमेशन तो एक ही बार परफॉर्म होगा और ये बटन पे क्लिक करने से भी परफॉर्म नहीं होगा। ये देखिए, बस खत्म हो गया। सो अब क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जाएंगे कहाँ पे, ट्रिगर पे, और कहेंगे ऑन क्लिक ऑफ। ये ट्रिगर कब चलेगा, जब कहाँ क्लिक होगा, देखें जिस पे मैंने एनिमेशन लगाई थी उसको ही सिलेक्ट किया है, उसको सिलेक्ट करके मैं ट्रिगर पे गया हूं, और ऑन क्लिक ऑफ क्या कह रहा हूं, बटन। जैसे ही बटन पे क्लिक किया, अब आप देखिए सही है? आप समझ में आई बात? ये था इसका बिल्कुल बेसिक वर्जन ट्रिगर का। अब हमारे पास 3-4 ऑप्शन इससे परफॉर्म कराने, तो कैसे करेंगे? मैं वंस अगेन इसको नन कर देता हूं और अब ट्रिगर इस पे कोई नहीं है, खत्म हो गया। एनिमेशन पेन में भी कोई ट्रिगर नहीं आ रहा। मैं पहले इस पे एक एनिमेशन का सेट बनाता हूं। फॉर एग्जांपल ये फैड होगा, देन ये क्या काम करेगा, एड एनिमेशन में जाके ये फ्लाई आउट करेगा, ठीक है, और राइट साइड पे जाएगा। ये दो इफेक्ट्स पे काम करेंगे इस तरह से, और वंस अगेन फिर मैंने इसको कहा कि ये एड एनिमेशन में जाके क्या होगा, फेड हो जाएगा। सी, 3 एनिमेशन है, पहला विद प्रीवियस पे रखा, दूसरा उसके बाद परफॉर्म होगा आफ्टर प्रीवियस, और तीसरा उसके बाद परफॉर्म होगा आफ्टर प्रीवियस। अब इसको क्लिक किया, तीनों सेलेक्ट हो गए, ट्रिगर पे क्लिक किया, ऑन क्लिक ऑफ बटन। अब देखिए ओके, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम। इसका जो लास्ट वाला है, अब थोड़ा इसके अंदर काम करना बता रहा हूँ, इसका जो लास्ट वाला एनिमेशन है वो डिलीट कर दिया। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, एड एनिमेशन में जाके मोर इन पे किया और इसको पिक इन कर दिया फ्रॉम लेफ्ट साइड, और इसको ले जाके पिक इन इफेक्ट को यहाँ पे डबल क्लिक किया, और यहाँ से मैंने इसका जो इफेक्ट था, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये तो बाहर आ गया ट्रिगर से, क्या करेंगे, ट्रिगर में उठा के वापस से उठा के अंदर रख देंगे और इसको आफ्टर प्रीवियस कर देंगे। अब देखिए
सही है, आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप ट्रिगर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आइए ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें देखिए मैंने पहले होम में गया हूं और यहां से जाके मैंने सिलेक्शन पेन पे क्लिक किया है और यहां पे मैंने इनके नाम रखे। इसका नाम मैंने रखा है पुश, इसका नाम मैंने रखा है टारगेट शेप, इसका नाम मैंने रखा है लेफ्ट फोर एरो, इसका नाम मैंने रखा है राइट फोर एरो, और यहां पे कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही? ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहां से एनिमेशन पे जाएंगे और यहां से क्लिक करेंगे एनिमेशन पेन के ऊपर और यहां पर जाके हम इसको कहेंगे नन और पुश के ऊपर भी कहेंगे नन। ठीक है, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको हम और इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपको जरा गौर से देखना है, ये कुछ किसी के रहेगा तो इसको भी डिलीट और इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, तो अब इस पे कोई एनिमेशन नहीं है। सबसे पहला मैंने इसको एनिमेशन दिया फैड, दूसरा मैंने इसको एड एनिमेशन दिया कलर चेंज। तो एड एनिमेशन में जाके ऑब्जेक्ट कलर चेंज यहाँ से आ गया और कलर चेंज करके मैंने यह कलर ले लिया और क्लिक करके यहाँ से मैंने अगला ऑप्शन दिया इसको मोशन में जाके लाइन इफेक्ट। अब लाइन इफेक्ट तो नीचे जा रहा है, मुझे इसके ऊपर ले जाके रखना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इसका लाइन इफेक्ट पकड़ के इसके ऊपर ले जाके यहाँ पे इस तरह से सेट करूंगा। एड एनिमेशन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे फेड आउट, तो ये फेड आउट के गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से काम करेगा। अब इस सारे ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया और इसको कहा कि ये विद प्रीवियस पे काम करेगा, ये उसके आफ्टर पे काम करेगा, ये उसके आफ्टर पे काम करेगा और ये उसके आफ्टर पे काम करेगा। तो इस तरह से ले जाके हमने इसको सेट कर दिया, क्लिक किया। अच्छा, अभी ट्रिगर तो सेट ही नहीं किया। ट्रिगर सेट करने के लिए आप इस टारगेटेड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे और कौन से पे लेंगे, पुश बटन में क्लिक करेंगे स्लाइड शो के ऊपर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आया और निकल के वो यहां से इधर पहुंचा और गायब हो गया। सिमिलरली अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही, पुश के बटन पे फीलिंग्स नहीं आ रही, क्या क्लिक हुआ नहीं हुआ? अक्सर आपने देखा विंडोज में बटन होते हैं, क्लिक करते हैं हल्का सा कलर चेंज करते हैं, छोटे बड़े होते हैं। इस तरह की चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आएंगे, इसको एक एनिमेशन इफेक्ट देंगे। लेट्स सपोज अगर हम चाहते हैं किस तरह का इफेक्ट करें, पल्स इफेक्ट है, इस तरह का इफेक्ट है। अच्छा, पल्स नहीं देंगे अगर तो दूसरा कौन सा इफेक्ट है, तो यहाँ से हम आएंगे मोर एम्फेसाइज इफेक्ट्स में, स्पिन है, ट्रांसपेरेंसी है, पल्स है और ब्लिंक है, टीथरिंग है, पल्स इफेक्ट ही लगाते हैं, इसके ऊपर पल्स ही काम कर सकेगा। ओके, अब पल्स इफेक्ट के बाद जब क्लिक करें उसके बाद पल्स की कर रहा है, उसके बाद ये क्या करें, जैसे कि अब क्या करें, पल्स कैसे काम करेगा, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसका ट्रिगर इसी पे भी लगा सकते हैं, ट्रिगर्स ऑन क्लिक ऑफ पुश। ठीक है, ऑन क्लिक ऑफ पुश और फिर इसको पुश को पकड़ के सबसे टॉप पे लेकर आएंगे, पहले ये परफॉर्म होना है, जैसे क्लिक हो ये परफॉर्म होना है, तो इसको करेंगे विद प्रीवियस और इसको करेंगे फिर आफ्टर प्रीवियस। अब देखिए सही है। और सिमिलरली अगर मैं इसके साथ साथ ये भी चाह रहा हूँ कि ये कलर भी चेंज कर ले अपना साथ साथ, तो इस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट कलर चेंज पे क्लिक करेंगे एड एनिमेशन में जाके और यहाँ से ऑब्जेक्ट कलर चेंज इस पर अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस पर टेक्स्ट भी एसोसिएटेड है, ये ग्रुप हुआ हुआ बेसिकली ना, तो इसको अगर मैं अनग्रुप करूंगा यहाँ जाके तो ये दोनों चीजें अलग हो गई। अब मैं इस पर लगा सकता हूँ दूसरी एनिमेशन भी, ऑब्जेक्ट कलर चेंज लगा देता हूँ और इस पर कलर चेंज करके मैं इसका कर देता हूँ कलर सपोज टू बी कुछ इस तरह का कलर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो इस पर अप्लाई हुआ तो अब इसका ट्रिगर तो खत्म हो गया यहाँ से, क्योंकि अब इसके ऊपर क्लिक करने वाला ऑप्शन जो है वो इसके साथ टेक्स्ट के साथ अलग था। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है कि जब आप इसको कंट्रोल जेड कर दिया, जब आप इसको बना रहे हैं तो इसमें अगर दोनों को एक टेक्स्ट को और एक शेप को मिला के ग्रुप कर रहे हैं तो अनग्रुप करेंगे तो फिर ट्रिगर खत्म हो जाएगा, तो फिर आपने पहले से इस चीज़ को ख्याल रखना है कि किस तरह काम करना है। लेकिन अगर ग्रुप में है तो फिर बहुत सारे ये जो वाले इफेक्ट्स जो है उस पर काम नहीं कर पा रहे होते, तो इस सूरत में फिर आपको करना ये पड़ेगा कि आपको दोनों को अलग नहीं करना, दोनों को एक साथ बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक शेप बनाएंगे उस पर राइट बटन दबा के एडिट टेक्स्ट उसमें लिख देंगे और फिर उस पर जाके पुश लिखेंगे, तो ये सारे इफेक्ट उस पर इजीली एनिमेशंस कर सकेंगे अप्लाई। ठीक है ना, तो ये वो एरर्स हैं जो आपको काम करने के दौरान आएंगे, आपने इस तरह से करना है। अब इसी तरह से जैसे क्लिक करता हूँ ये शुरू होता है, तो पहले ये परफॉर्म करे फिर ये परफॉर्म करे कुछ इस तरह का एनिमेशन, तो इसको भी क्लिक करके हमने एनिमेशंस पे गए और इसको हमने एक एनिमेशन दे दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक छोटा सा इस पर इफेक्ट दे देते हैं, जूम इन का इफेक्ट है ना, ये जूम इन इफेक्ट इस पे दे देते हैं और ये इस पे दे देते हैं और इसी का जूम इन इफेक्ट एक इसके ऊपर भी दे देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशन में जाके और यहाँ से जाके इसको क्लिक करके जूम इन इफेक्ट इस पे भी दे देते हैं, जूम इन और इस पे भी आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब जब हमारा एनिमेशन चलेगा तो ये दो ऑप्शन और भी आ रहे हैं, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो पहले ये वाला परफॉर्म करे, तो क्लिक करने के बाद लेफ्ट वाले को पुश के बाद रखेंगे तो ये इसके बाद परफॉर्म करेगा, तो इसको आफ्टर कर देंगे, एंड देन जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाए तो फिर ये वाला परफॉर्म करे, तो फिर इसको उठा के ऑब्जेक्ट को जब परफॉर्म कराना है
उसके गायब होने से पहले, गायब होने से पहले, गायब होने के बाद, गायब होने से पहले, तो उसके बाद यहाँ पर रख के इसको आफ्टर प्रीवियस कर देंगे और इसको भी यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर देंगे। अब स्लाइड शो में देखिएगा, ठीक है, तो इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं और फिर जितनी बार हम क्लिक करेंगे ये उतनी बार इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। इसको और मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे हमने इस पे जूम इन इफेक्ट दिया था, तो इसी पे क्लिक करके हम यहाँ पे एड एनिमेशन करके उसको एक स्पिन इफेक्ट देते हैं यहाँ से, ठीक है, स्पिन इफेक्ट देके और उसका स्पिन जो है हम डबल क्लिक करके यहाँ पे जाके टाइमिंग में ड्यूरेशन पे रख देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और यहाँ से क्लिक करके स्पिन ऑफ फ्रैक्ट इसके 2 टाइम फास्टर कर देते हैं। अब इस इफेक्ट को उठा के अब इसके बाद नीचे रख देते हैं और उस पर क्लिक करके इसको फिर इसके साथ भी कर सकते हैं और उसके आफ्टर भी कर सकते हैं, तो विद कर देते हैं इसके साथ। अब देखिए इस तरह का इफेक्ट भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये उस वक्त तक परफॉर्म करता रहेगा क्योंकि हमने अंटिल एंड ऑफ स्लाइड का है। हाँ, अगर इसको 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड रोकना है तो वो हम कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको बनाते वक्त। तो उस पर आप क्लिक करके, जैसे ये एनिमेशन कर रहा है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड पे कर रहा है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि नहीं यार ये 3 सेकंड करने के बाद रुक जाए, तो इसको क्लिक करेंगे ओके, 3 सेकंड रख के हमने ओके कर दिया। तो जैसे ही अब आप इसको क्लिक करेंगे पुश के ऊपर, तो ये आया इसके साथ घूमता हुआ, समझ में आ रही है बात ये। तो ये ट्रिगर्स का काम होता है कि किस तरह से आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा पूरा बना सकते हैं। इससे पहले तो हम ये सीख रहे थे, एक एनिमेशन है, परफॉर्म हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसमें ये है कि आप पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन बना सकते हैं, ये एक अगला नेक्स्ट लेवल का काम आ गया। सोलर सिस्टम का एक डेमोन्स्ट्रेशन बना सकते हैं, प्लैनेट घूम रहे हैं उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन बना सकते हैं, बारिश होती है, भाप उठती है, वेपर सिस्टम का एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बना सकते हैं। ये वो साइंटिफिक प्रोजेक्ट हैं जिनको बच्चे पैसे जाया करते हैं चार्ट्स पर और वो आर्ट्स वर्ट्स बना के उस पर बना रहे होते हैं। व्हाई नॉट कि आप पावर पॉइंट पे बना के बड़ी स्क्रीन पे चला के दिखा दें, ठीक है ना। या आप जैसे क्लिक करें, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट वहां से आए, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर क्लिक करें वो उसको टच करें, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स के आइडियाज हम इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो जाया नहीं होंगे। आप बना के उसको यूट्यूब पर डेमोन्स्ट्रेशन डालें उसका और नीचे लिंक दे दें, अगर आपको बनवाना है मुझसे रब्ता करें, फेसबुक पर डेमोन्स्ट्रेशन डालें मुझसे रब्ता करें, वो आपके सेल हो सकते हैं। क्योंकि जब एग्जीबिशंस होती हैं स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन आपको सर्च ये करना होगा ऐसे प्रोजेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे। ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हो गए, एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट हो गए, स्पेस के कोई प्रोजेक्ट्स हो गए, उनको बना के रख लें और उसकी एक तशहीर करके अपने पेज पर डाल दें, जब किसी को चाहिए होगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन वो चीज करें जो आम लोग नहीं कर रहे, फिर आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। हाँ, एक आइडिया लें, आइडिया को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें, जब आप चलाएंगे तो रुकेंगे वाह भाई वाह जबरदस्त। आइडिया ट्रेंडिंग में होना चाहिए, आइडिया ऐसा ना हो कि जो बिल्कुल घिस गया हो, ठीक है ना। ये चीज इसके ऊपर हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको दूसरा दिखाता हूँ कि ये आपने फिर बनाना है। अब देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपने खुद बनाना है। सही है, समझ में आया। इस तरह से मुख्तलिफ बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, कहीं पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपने मुख्तलिफ किस्म के जो है शेप्स बना दिए। बेटा इस पे क्लिक करो तो वो सामने आ गया, ब्रेक पे क्लिक करें तो वो चीज सामने आ रही, क्लियर कर दें क्लियर हो गया, एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। हालांकि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन एक जस्ट लाइक एक सेंस दे रहा है हमें उस चीज का। ओके, अगला दिखाता हूं मैं आपको। अब जितने बना सको फिर उतने ले लेना फिर उससे। हाँ, अब देखिए मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा, इस पे कन्वर्ट हो गया, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे कन्वर्ट हो गया। शेप क्या कर रहा है, अपनी शेप चेंज कर रहा है, एक शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आइडियाज आप अपने करने की कोशिश करें, फिर मैं इससे थोड़े मुश्किल आइडियाज भी आपको बताऊंगा।